गाइस हम पहुंच गए हैं केदारनाथ, ठीक है। और क्या केदारनाथ लोग चार चार पाँच पाँच घंटे की लाइन में लगते हैं, बट लोगों के दर्शन नहीं होते, बट हमारे जाते ही दर्शन हो गए। सबसे बढ़िया बात तो ये थी भैया, हाय बोल रहे हैं जय सस्ता भाई, मिल गए इधर मीट आर्यन आर्यन माला गाइस, इसको दोबारा चक्कर भी आ रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पर नहीं खा रहे हैं। और आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ। यार बहुत टाइम से हमारा प्लान बन रहा था, लेकिन वेदर कंडीशन को देख के हम नहीं जा पा रहे थे। मेरे दो दोस्त और भी हैं, संस्कार एंड आर्यन। संस्कार मुझे बस स्टैंड पर मिल जाएगा, वहां से हम जाएंगे गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन और वहां से हम कश्मीर गेट, वहां पर हमको आर्यन मिल जाएगा। तो हम कैसे जा सकते हैं केदारनाथ बाय बस, ये व्लॉग आप एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा हम कैसे कैसे जा रहे हैं बस से, हम कौन सी बस चेंज कर रहे हैं। तो ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और फाइनली आपको केदारनाथ के दर्शन होंगे साक्षात, आप वो भी देखना। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, काफी मजा आने वाला है। तो अभी संस्कार मेरा वेट कर रहा है बस स्टैंड पे, तो चलते हैं पहले, ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। चलो ठीक है भाई, तो मैं निकल गया हूँ घर से, ठीक है। मास्क मैंने लगा लिया है फॉर सेफ्टी, मास्क होना चाहिए अपने पास, और एक बैग है मेरे पास भाई। बस में बैठ गया हूँ, ठीक है। संस्कार भाई मिल गए मेरे, थोड़ा लेट हो गया था आने में, लेकिन फिर भी टाइम पर आ गया, ठीक है। और बस मिल गई है, बस 5 मिनट लेट, बस वाले को रुकवाया है। देखो यार, मेरे लिए बस मिल गई है, अपन बड़े लोग हैं यार, कोई बात नहीं होता। 15-16 साल का बच्चा है, चेहरे पे की मुहासे हैं। वही अपन लोग आ गए मेट्रो स्टेशन, ठीक है। लेकिन मेरे ना मेट्रो कार्ड में चार्ज नहीं है, तो अभी पहले हम रिचार्ज कराएंगे, फिर हम एंट्री करेंगे, ठीक है ना। आप एज्यूम करो उसकी शर्ट कितने की होगी, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि उसकी शर्ट कितने की होगी। गाइस हम बैठ गए मेट्रो में, ठीक है भाई। मैंने बहुत तेज भागा हूँ, सीट मैंने पकड़ ली है मेट्रो की एकदम से। हैंड्स कर भाई, एक दो जनों को धक्का देखा। गाइस हम पहुंच गए हैं कश्मीर गेट अब, ठीक है। और अब हम एक मील लेंगे मैकडी से, और संस्कार भाई उसके पैसे देंगे हमको। क्या हमारा तीसरा फ्रेंड, ठीक है, मीट आर्यन आर्यन बाला भाई। लड़की को क्रश है, ठीक है। अब देख रहे हो उसकी बियर्ड, कबीर सिंह बन रहा है पूरा, लाइट कबीर सिंह लाइट है भाई। इनकी पूरी कोट गिर गई, ठीक है, इनकी बैलेंस जा गया कि टी शर्ट पे। भाई कोई भी कहीं से भी है, सबसे पहले आप कश्मीरी गेट आ जाओ, और कश्मीरी गेट से गुप्त काशी के लिए बस पकड़ लो। अगर आपको हरिद्वार जाना है केदारनाथ के दर्शन करने, केदारनाथ के दर्शन करने गुप्त काशी से आप सोनप्रयाग जाओगे, मात्र 35 किलोमीटर पड़ेगा भाई। यहाँ पर हो रखी है बहुत भीड़ टिकट के लिए, ठीक है। हमारा दोस्त चढ़ गया गेट पे टिकट लेने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक दिखाया गया, भीड़ हो रही है भाई। भाई हमने बस पकड़ी थी हापुड़ से गाजियाबाद के लिए, गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन। हम मेट्रो स्टेशन से हम आए कश्मीरी गेट, तो कश्मीरी गेट के बाद बता भाई, कश्मीरी गेट आए, कश्मीरी गेट में ISBT जो कश्मीरी गेट है, वहाँ से हमने बस देखी नॉर्मल अपनी गुप्त काशी की। गुप्त काशी से आपका सोनप्रयाग अराउंड 30-35 किलोमीटर है मैक्स, तो उसके लिए अपने यहाँ से बस ली। नॉर्मली 6-7-8 पर खड़ी होती है, अराउंड आपकी बस मिल जाएगी रात के टाइम 9। ये नंबर है 6-7-8, हाँ 6-7-8 नंबर मिल जाएगी, 8:30-9 बजे करीब जाती है। उसके पार्ट आपकी वहाँ से सीधी जाएगी गुप्त काशी, काशी पे फिर वहाँ रुकेगी, बीच में एक दो जगह रुकेगी जहाँ के होगा, उसके लिए अपडेट्स आपको सारी मिलती रहेंगी, जो चीज़ हमने करी जैसे करी। उसके पार्ट फिर हम जाएंगे आगे सोनप्रयाग, सोनप्रयाग का थोड़ा रास्ता जिसमें आपको बताया 30-35 किलोमीटर्स, देन अपना किधर। बस यही वो इंसान है जिसने हमारी टिकट ली थी, ठीक है, गेट पर चढ़ के। भाई इस इंसान ने भाई खाली टिकट हमारी नहीं ली है, इसने और लोगों की भी टिकट ली है भाई। यहाँ बैठे हैं अपन सीट पर, ठीक है। बाकी आप देख लो क्या हाल है पीछे का, ठीक है। अभी हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश, ठीक है। यहाँ पर हमारी बस अभी खड़ी हुई है, पहले यहाँ यह समझाएंगे गुप्त काशी, फिर वहाँ से सोनप्रयाग, हाँ फिर वहाँ से ये लोग मतलब अपन लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या कंडीशन है वेदर की, उसके अकॉर्डिंग देन केदारनाथ। गाइज अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, ठीक है। बस से अभी अभी उतरे हैं, बहुत लंबा सफ़र था, और हम ऋषिकेश से अभी उतरे हैं, जस्ट ब्रेक लिया है, ठीक है। बाकी हम कहाँ पर हैं, हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद हम अपना जाएंगे सीधा गुप्त काशी। इसको दो बार चक्कर भी आ रहे हैं, हम उतरे हैं गुप्त काशी में, ठीक है। और अभी हमने एक कैब करी है सोनप्रयाग के जाने के लिए, ठीक है। हमारा एक पर्सन ऐसा है कि जिसको उल्टी आती है, तो वो शायद आगे बैठेगा, उसने बस में कहीं भी उल्टी नहीं करी, लेकिन फिर भी उसको उल्टी आती है। हम उधर गए थे सोनप्रयाग, ठीक है। कैब वाले ने काफ़ी ड्रामा कर दिया, वो हमसे 150 रुपये मांग रहा था, लेकिन 100 रुपये होते हैं, तो ये लोग डंडा ले रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी गौरीकुंड, ठीक है। तो वहाँ पर हमने सुना है कि वहाँ पर हमको जो रूम्स हैं वो सस्ते मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पर जाकर हम थोड़ा नहाएंगे वहाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो मेन चढ़ाई है केदारनाथ की वो स्टार्ट होगी, राइट।
ये हमारा रूम है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अंदर से कि रूम कैसा है। सर देखो पहाड़ों में आए हैं, ठीक है, बारिश का मौसम है, और अगर मैगी नहीं गई तो क्या करा जिंदगी में, समझ रहे हो? देख रहे हो अपन लोग मैगी यहाँ पर मैगी खा रहे हैं, ये दोनों अभी तक फ्रेश होने भी नहीं गए हैं, ठीक है, सुबह सुबह सिर्फ खा ही रहे हैं, सिर्फ खा ही रहे हैं। तो गाइस हमने कर दिया स्टार्ट चढ़ाई, ठीक है, और चढ़ाई काफ़ी ऐसे ना एटीट्यूड पे है तो हमको काफ़ी तकलीफ हो रही है, और हमारा जो बैग है उसमें काफ़ी सारा सामान है तीन लोगों का, ठीक है, और टाइम देख रहे हो टाइम कितना हो रहा है, अभी एक बीस हो रहे हैं, ठीक है, हमने 12:30 पे स्टार्ट किया था, अब लगभग एक घंटा होने वाला है, ठीक है, और लगेज में हमने तीनों के रखे हैं कपड़े, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, और ट्राई करना कि कुछ भी ना लाओ, बस एक रेन सूट और अपने एक जोड़ी कपड़े और एक टॉवल, और हो सके तो नीचे ना के आओ, ऊपर नहाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपनी मेडिसिन और एक पानी की बोतल के अलावा कुछ मत लाओ, समझ रहे हो? जय बोलेगी, बस जय बोलेगी, जय बोलेगी भाई। भाई देख रहे हो हमारा एक साथी बिल्कुल टूट चुका है बिल्कुल टूट चुका है। अच्छा हुआ ये भाई नहीं आ रहा था, संस्कार गुप्ता, मेरे तो पता नहीं क्या हो जाता अगर तू नहीं आता आकाश भाई, सही में। चलो कोई बात नहीं, जय बोलेगी, जय बोलेगी भाई। देखो ये संस्कार भाई ये थक गया था, ठीक है, और ये खर्चा करके आ रहा है, ठीक है, नीचे से ही। भाई आप सबको एक बात बता दें, कृपया अगर कोई खच्चर लेकर ना आए, हाँ, अपने पैरों से आए, अपने पैरों से आए, हाँ भाई, और जिसके बस के पैरों से नहीं है, हाँ, या तो वो आवे ना, हाँ, या हेलीकॉप्टर कर ले, बस खच्चर नहीं, खच्चर खच्चर, जैसे ये इसने हमारे दोस्त ने बहुत बुरा काम किया है, बहुत बुरा काम किया, हाँ, अगर आपको लगता है आप नहीं सक्षम नहीं हो चढ़ने के, हाँ, तो आओ ही मत, समझाना, मैं कह रहा हूँ उसने बीच में पूरी हिम्मत तोड़ दी कि भाई बस, इसके बस की नहीं था बिल्कुल भी, आप बस के लिए भी चलना बिल्कुल भी नहीं, बस बिना बैग के भी बस की नहीं है। मोमेंट्स लेटर हमको लगा था कि हम हॉर्स राइडिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमको भी हॉर्स लेना पड़ा यार, हम थक गए थे बहुत, ठीक है, तो हमको भी हॉर्स लेना पड़ा, और मेरे दोस्त को भी हॉर्स लेना पड़ा, ठीक है भैया, हाय बोल रहे हैं। तो गाइस पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है गाइस, हालत खराब हो गई, तू पैर तेरा मुड़ा है, चल भाई देखो अपन लोग है ना जो सबसे कम चला है मैं संसार गुप्ता, अभी तो हमको मंदिर दिख रहा है दूर से, वो ठीक है वही वाला है ना, हाँ वही, गाइस हम पहुंच गए हैं केदारनाथ, ठीक है, और क्या केदारनाथ, ठीक है भाई हम जाएंगे अंदर, हम दर्शन करेंगे, ठीक है, अंदर नहीं है तो अंदर नहीं ले जा पा रहे, बट ये भी कर लिया है जैसे तैसे, अरे आगे आपको देंगे जैसे भी अपडेट होगी भाई, अपन दिनों भाई जैसे जैसे करके पहुंच तो गए हैं डेस्टिनेशन पर, आज सारी मेरी मेहरबानी है तुम यहां दर्शन कर रहे हो। तो गाइस हम पहुंचे केदारनाथ, ठीक है, भाई को कुछ जरूरी जाने की घर पे, और क्योंकि ठीक नहीं है, और इसलिए भी क्योंकि बादल आ गए, बारिश होने वाली है, कभी नहीं बोलेगा, और भाई जब भी आओ ना तो अपना पानी उड़ी सब साथ लाया करो, हमारी हालत ऐसी हो रखी है अब चढ़ के अंग टूट गया, हाँ भाई बस ये बात कैसे बोल रहा है, पहली बार आएगा ना बहुत रिस्क ले जाना और टाइम तो पूरा देना, हम तो टाइम में कोशिश करना पहले निकलो केदारनाथ की यात्रा, आना जाना कर रहे हैं और हो सके ना तो ये एक नाम है वो धर्मशाला है यहाँ पे बुकिंग करा मिल जाए तो ले लेना, उसके जब सामने ही है मंदिर तो आप उसके ना सबसे आराम से आरती के दर्शन मोर्ची के दर्शन बड़े प्यार से होंगे, ठीक है भाई, बाकी अगर आपको कोई चीज चाहिए हो कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मिड में को डीएम कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, तो अभी हम जाएंगे नीचे तो मिलता हूँ आपको दोबारा रूट देंगे भाई। और आर्यन भाई हेलो भाई हेलो, तो गाइस बाबा के दर्शन हो गए थे, ठीक है, और बहुत अच्छे हमको दर्शन हुए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग लाइन में लग रहे थे, ठीक है, 4 घंटे की लाइन में 5 घंटे की लाइन में, लेकिन अपन लोग पता नहीं कैसे हुआ कोई आप चमत्कारी मान लो कि अपन लोग गए लाइन में, हम सिर्फ 1 घंटा लगे होंगे एंड देन हमको दर्शन हो गए और बहुत अच्छे हुए दर्शन, और जब हम वहाँ से आए हम हॉर्स पर आए थे, ठीक है, और कोई मौसम ख़राब नहीं था, सब कुछ ठीक था क्योंकि फैमिली थोड़ी कंडीशन थी कि यार ऊपर मत जाना मौसम ख़राब होगा एंड ऑल दीज थिंग्स, बट फिर भी कुछ ही सही था, ये वो लोग 4-4, 5-5 घंटे की लाइन में लगते हैं बट लोगों के दर्शन नहीं होते, बट हमारे जाते ही दर्शन हो गए, सबसे बढ़िया बात तो ये थी, ये बात इससे बढ़िया बात थी नहीं, और एक मौसम इतना साफ इतना मस्त था, इतना साथ दिया ना बढ़िया था, सही में हमारे से शायद दर्शन शायद ही किसी को हो गए, हाँ ये बात शायद। तो अपन लोग आ गए थे नीचे, ठीक है, हमने चेक किया था एक रूम में, यहाँ पे एक रूम हमने ले रखा था गोरीकुंड में, तो हमको 4 बजे निकलना था बट मौसम की वजह से हम निकल नहीं पाए अभी, तो अभी हम चाय पी रहे हैं देन हम फिर कैब करेंगे, ठीक है,
सोनप्रयाग तक, राइट? फिर सोनप्रयाग से हम बस लेंगे, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइज हम आ गए घर पे, ठीक है, काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है। और हमारा जो दोस्त था आर्यन, उसको हमने हरिद्वार के बस स्टैंड पर छोड़ दिया था, तो वहाँ से वो दिल्ली जाएगा। और हम कैसे कैसे आए, देखो हमने ना बेसिकली गौरीकुंड से हम आए थे सोनप्रयाग, देन वहाँ से हम बस करी हरिद्वार तक। उसके बाद हरिद्वार तक आने के बाद हमने एक और बस पकड़ी आगरा डिपो, जो कि हमको हापुड़ छोड़ती है। तो अब रात के 2:30 बजे उसने हमें हापुड़ छोड़ दिया है, ठीक है, हापुड़ छोड़ दिया, हमारी हालत ख़राब है। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। और ये आज अपने घर पर रुकेगा, ठीक है, हमारे घर से अगर बात एक ही है, तो इसका कल एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम देख फिर जाएगा।